Good evening, boss. Good evening, boss. Sir. Good evening. Francis, report लाया हूँ? जी लाया हूँ. लाओ दिया मुझे. टाइगर, इसकी जर्किन में रिपोर्ट नहीं, बल्कि रिवॉल्वर है. चेक. हुबा, ले जाओ इसे. टाइगर, तुम्हारी क्या रिपोर्ट? बॉस, सिग्नल मिल चुका है. ठीक एक घंटे के बाद केमिकल्स की 100 पेटियां मारवे बीच पर उतर रही हैं. ठीक है, सारा माल बंद्रा गोडाउन में पहुंचा दो. यस बॉस. यू कैन गो नाउ. मिस्टर घोष. यस बॉस. कैप्सूल तैयार है? यस सर. लेट मी सी. ये असली है और ये है नकली. वेरी गुड. ठीक है, 10 लाख का माल तैयार करके कलकत्ता भेज दो. यू कैन गो नाउ. ओके बॉस. बॉस, पिछली बार जब हमारा माल किनारे पर उतर रहा था, उसे जिस गैंग ने लूटा, उस गैंग के लीडर हैं शेट्टी और उसका भाई रामन्ना. दोनों को खत्म कर दो. किल देम. मेरी बुलबुल, तू भी थोड़ी सी पी ले, मजा आ जाएगा. अरे आ रहा हूँ भाई. आ रहा, पीने को भी नहीं देता है. इस टाइम पे कौन चले आते हैं भाई? कौन हो? अरे उस्ताद आप? राम प्रसाद तुम? हाँ. तुम उसमें तो हो ना? एक मिनट उस्ताद, अब मैं होश में हूँ. बोलो. टाइगर और उसके आदमी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं. मेरे पीछे भी पड़ेंगे? रुको मत. राम प्रसाद, मैं बम्बे छोड़ रहा हूं. उस्ताद, पहले मेरा गला तो छोड़ो. ये 15,000 रुपए मेरे भाई रामन्ना को देना. दे दूंगा. उसे कहना बम्बे छोड़ दे. हाँ. उसकी जान खतरे में है. हाँ. समझे? समझ गया. याद रखो, अगर भूल गए तो. मुझे मर रहा है क्या? क्या लफड़ा आ जाता. राम प्रसाद, पुलिस को टेलीफोन करो. हाँ. हेलो, इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा है. सलाम साहब. साहब, लाखों की खबर है. नहीं, मतलब लाखों का माल है टाइगर के अड्डे पे. टाइगर के अड्डे? हाँ साहब, इस मार्गलिंग का माल है. लेकिन ये टाइगर का अड्डा है कहाँ? साहब, वो सेठ चुनीलाल के पीले बंगले के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ उसका गोदाम है. लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? साहब, नाम बाद में, पहले काम कीजिए ना. जल्दी से छापा मारिए ना. नाम बता के मरना है क्या? माल पानी. यस साईं. साईं नहीं सर, बोलो. यस सर. दो सिपाहियों को लेकर फौरन मेरे साथ चलो. दो सिपाहियों को लेकर फौरन इनके साथ चलो. माल पानी, तुम भी मेरे साथ चलोगे. यू लेजी सो एंड सो फॉलो मी. यस सर. यू लेजी सो एंड सो फॉलो मी. पुलिस, पुलिस. सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेना. अगर इन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो भून डालो. Thank you.
ये गिरोह बड़ा ही होशियार और चालाक मालूम होता है। एक भी सुराग पीछे नहीं छोड़ा हमारे लिए। इस गिरोह में कौन कौन है, इनका मकसद क्या है, इस बात का पता हमें लगाना ही चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं बॉम्बे न्यूज की रिपोर्टर हूँ, कुछ पूछने आई हूँ। नंबर एक, कल रात जो हंगामा हुआ, पूरा मकान उड़ा दिया गया, उसके पीछे क्या राज है? नंबर दो, कुछ लोग और पुलिस वाले भी जख्मी हुए, उनके क्या हाल है? नंबर तीन, ये काम देशद्रोहियों का है या के गुंडागर्दी है? वरी, तुम जर्नलिस्ट है या एग्जामिनर है? इतने सवाल तो हमको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में भी नहीं हुए। मालपानी देवी जी, आप कल आइए, कल हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन अपने रीडर्स की तरफ हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, हम कल तक इंतजार नहीं कर सकते। मैंने कहा ना आप कल आइए, इस वक्त हम बहुत बिजी हैं। आप प्रेस को कुछ बताना नहीं चाहते या खुद कुछ जानते नहीं या जानबूझकर इस केस को दबाना चाहते हैं? नॉनसेंस। कोठारी। यस सर। देवी जी को बाहर का रास्ता दिखा दो। कोठारी साहब, आप तकलीफ मत कीजिए, लौटने का रास्ता मैंने देख लिया है। लेकिन अपने बॉस से इतना कह दीजिए कि एक प्रेस रिपोर्टर, वो भी एक लड़की के साथ, इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। गुड बाय। बड़ी तेज लड़की है। वही, दो तीन बार इधर और आएगी ना तो बड़ी स्लो हो जाएगी। डार्लिंग, क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं, परेशानियां तो खत्म होती नजर आ रही हैं। मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े ओहदे पर ट्रांसफर होकर आ रहा है। फिर तो बहुत आसानी हो जाएगी। इतना आसान भी नहीं है, बहुत ही सख्त और उसूलों में चलने वाला आदमी है। खैर, यारी दोस्ती की आड़ में उसे भी चक्कर में ला सकता हूँ। चक्कर चलाना तो कुछ तुमसे सीखे। एक चक्कर तुम्हें भी चलाना होगा। यस सर। हमारा रहना, सहना, उठना, बैठना, मीटिंग, प्लानिंग सब कुछ बैंड्रा में होता है। इसलिए बैंड्रा पुलिस स्टेशन के किसी एक ऑफिसर को अपनी मुट्ठी में करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दैट्स नो प्रॉब्लम। सब इंस्पेक्टर मालपानी तो मुझे देखते ही पानी पानी हो जाता है, उसके लिए तो मेरा एक इशारा ही काफी है। ये इशारा तो हमारे लिए भी काफी है। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया न्यूज है। क्या बात है, कोई नामी चोर डाकू पकड़ा गया क्या? नहीं माँ, भैया की कोई लॉटरी लगी होगी। हाँ ठीक कह रही हो तुम, लेकिन लॉटरी मुझे नहीं, बम्बई के पुलिस डिपार्टमेंट को लगी है। क्या मतलब? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी और मैं पुलिस में नया नया भर्ती हुआ था। डाकू विक्रम सिंह के जुल्म की तेज हवा से पूरा कनकपुर का इलाका दीवार पे टंगे नक्शे की तरह कांप रहा था। विक्रम सिंह को पकड़ने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम रही। सारा इलाका घबराहट के साए में जी रहा था कि एक दिन गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। लोगों ने दाढ़ी वाले बाबा के चरण छुए और अपनी मुसीबतों का इलाज चाहा। और एक दिन पिछले पहर की नीरव शांति में पूरा कनकपुर का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ठिचम ठिचम। कौन हो तुम? भगवान का बनाया हुआ एक इंसान। इस बक्से में क्या है? कफन। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बाहर आ जाओ।
इससे पहले कि विक्रम सिंह की गोली तुम्हें तुम्हारे भगवान के पास पहुंचा दे, बता तेरा असली रूप क्या है, बताओ। वो दाढ़ी वाले बाबा थे कुमार भैया। हमारे कुमार भैया? 100% हमारे कुमार भैया, जिन्होंने उस दिन मेरी जान बचाई। तभी से चंदर तुम्हारे कुमार भैया का चेला बन गया। बिल्कुल, कुमार साहब मेरे गुरु हैं, मेरे जीवन के आदर्श हैं। मगर वो खुशखबरी क्या थी जो तुम हमें सुनाने वाले थे? अरे माँ, कुमार भैया की बदली बम्बई हो गई है और वो अब यहाँ आने वाले। वेलकम यू मिस्टर कुमार। थैंक यू मिस्टर सर्वे। ये है मात्रे, आपके पर्सनल असिस्टेंट। मात्रे, चाय के लिए कहो। चाय की कोई जरूरत नहीं, आप चार्ज देने की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। आइए। मिस्टर कुमार, अपनी कुर्सी संभालिए। गुड लक टू यू। थैंक यू। आज तो आप आराम करना चाहेंगे? नो, मेरी आज के अपॉइंटमेंट्स क्या है? और इस घड़ी को स्लो चलने की आदत है या आप परवाह नहीं करते? ये 9 मिनट पीछे है, ठीक करवा लीजिएगा। यस सर। 3 बजे ऑफिसर्स मीटिंग, 4 बजे इमीडिएट केसेस, 5 बजे बॉम्बे कल्चरल फोरम। इस बॉम्बे कल्चरल फोरम से मेरा क्या ताल्लुक है? सर, ये बहुत ही नामी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका स्वागत करना चाहती है। कमिश्नर साहब चाहते हैं कि आप इसे अटेंड करें। दोस्तों, बॉम्बे कल्चरल फोरम की नींव इसलिए डाली गई थी कि हम उन लोगों का स्वागत करें, सम्मान करें, जिन्होंने कला और साहित्य जगत को नई राहें दिखाई हैं। लेकिन आज पहली बार हम अपनी पुरानी प्रथा को, अपनी ही नीति को तोड़ने जा रहे हैं और एक ऐसे आदमी का स्वागत करने जा रहे हैं जो ना तो साहित्यकार है और न ही कलाकार, लेकिन एक ऐसी बड़ी हस्ती है जिसने अपनी काबिलियत से, अपनी कुशलता से, अपनी अक्ल से, अपनी बहादुरी से अपने काम को ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया है कि हम उनका स्वागत किए बिना नहीं रह सकते। तालियां तो सब बजाते हैं लेकिन सीखता कोई नहीं। मैं कुमार साहब से विनती करता हूं कि वो कुछ बोले। प्लीज गिव हिम ए बिग हैंड। बॉम्बे कल्चरल फोरम के प्रेसिडेंट मिस्टर शर्मा, मेंबर्स और मित्रों, आज आपके प्यार ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं जो कहना चाहता हूं उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे मुझे। मैं
मैंने जो कुछ किया है अपना फर्ज समझकर किया है। जो आदर और सम्मान आपने मुझे दिया है मैं कभी नहीं भूलूंगा, और जो विश्वास आप लोगों ने मुझ में दिखाया है उसे मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। क्या ऑफिसर है, औरों की तरह फालतू नहीं है। कुमार साहब, हमारे पत्रकार मित्र आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्लीज। मैं कलम को तलवार से ज्यादा तेज समझता हूँ। कुछ लोगों के भेजे में ये बात आती ही नहीं। ऐसे तेज हथियार वालों को ना कहते डर लगता है। पूछे जी। वो पुलिस अधिकारी जो रिश्वतखोर, कामचोर और गैर जिम्मेदार हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? आप जनता की आवाज हैं, और आपका हथियार आपकी कलम है जिसकी तारीफ मैं कर चुका हूँ। चलाइए अपने हथियार को। कुमार साहब, क्या आप शराब पीते हैं? पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी, डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए। सर, सुना है हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, आपके पीछे कौन सी औरत है? मैडम, इस वक्त तो आप मेरे पीछे हैं। औरत पीछे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप क्या कह रही है मौसी? रिश्ता क्या खून का ही होता है, दिल का नहीं? माँ के मरने के बाद सिर्फ एक पड़ोसी होते हुए भी आपने मुझे कितना प्यार दिया, मैं ये कभी भूल सकता हूँ? मैंने तो हमेशा यही समझा है मेरी दो माएं हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, जो तुम इतना मानते हो हमें। अच्छा मौसी, आशा की शादी कब कर रही हैं आप? कोई लड़का ढूंढा है? लड़के तो कई निगाह में हैं, लेकिन तुम तो जानते हो बेटा आजकल शादी ब्याह में कितना खर्च होता है। मैं ठहरी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की माँ, भला मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? ओ नो मौसी, इसकी चिंता तो वो करे जिसका एक ही बेटा हो। आपके तो दो दो बेटे हैं, क्या हम दोनों मिलकर अपनी एक लौती बहन की शादी भी नहीं कर सकते? अच्छा ये बताओ, तुम दूसरी शादी कब कर रहे हो? दूसरी शादी? सब लोग कहते हैं तुम्हारी एक शादी तो इस वर्दी के साथ हो चुकी है। और क्या क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? और लोग कहते हैं कि सब के सब पुलिस वाले बड़े बेरहम होते हैं। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है, अगर हम रहम करने लगे तो कानून की हिफाजत कैसे करेंगे? कल अगर चंद्र से कोई जुर्म हो जाए तो क्या मैं इसे छोड़ूंगा? हथकड़ियां पहना के ले जाऊंगा सब रिश्ते नाते भूलकर, और कहीं मुझसे कोई जुर्म हो जाए तो चंदर इतना ईमानदार है कि मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्यों चंदर? सर, कोई आदमी आपसे मिलने आया है। एक दोस्त, भेज दो। मैं अंदर आ सकता हूं? जोर पीके। आओ भाई आओ। आनंद कुमार, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। कितने सालों बाद मिले आज। मैंने तुम्हारी स्लिप देखी तो सोच में पड़ गया, ये पुलिस वालों का एक दोस्त कहां से आ गया? अरे कौन साला पुलिस वालों का दोस्त है, हम तो अपने यार आनंद कुमार के दोस्त हैं। बैठो। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? कमाल है यार, सारा शहर जानता है। शरीफ लोग खुश हैं कि उनकी जान का रखवाला आ गया, और बदमाश बेचारे घबरा रहे हैं कि उनकी जान का दुश्मन आ गया। तुम क्या हो, शरीफ या बदमाश? पुलिस वाले तुम हो, खुद ही पहचान लो। मैंने तो पहचान लिया, तुम दोस्त नहीं हो। क्या, इतने बरस हो गए एक भी खत नहीं लिखा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। ये रखो अपने पास। और सुना, कामकाज कैसे चल रहा है? शुरू में तो काफी गड़बड़ थी, मगर अब उसकी कृपा से मामला फिट है। एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, एक छोटा सा बंगला है,
इंपोर्टेड कार है, इन शॉर्ट मालदार हो गए। चलो अच्छा है, गॉड ब्लेस। सिगरेट नहीं? अरे हाँ, भाभी कैसी है? हाँ बहुत अच्छी है। अरे उसने तुम्हारे आने की खुशी में दावत रखी है, शाम को क्या कर रहे हो यार? नहीं यार, इस वक्त नहीं, नया नया आया हूँ, काफी उलझने सुलझानी है, फिर कभी। अच्छी बात है भाई, उलझने सुलझाते सुलझाते अगर थक जाओ तो इनसे जी बहला लेना, राहत मिल जाएगी। कैसेट? तुम्हारा पुराना शौक, गजलें हैं इनमें, फुर्सत में सुन लेना। अच्छा अच्छा, सुन लेंगे किसी के गम के फसाने, सरगम के सात सुरों में। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक है, ले तो जमाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत जरा भी नहीं चौंकी। आनंद तुम चले जाओ यहाँ से। चला जाओ? अच्छा अच्छा, आने की खबर नहीं दी इसलिए नाराज हो गई। खैर छोड़ो, आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, अगर कोई शानदार प्रेजेंट चाहिए तो फौरन मांग लो, यही वक्त है। अब मैं एक पुलिस ऑफिसर बन गया हूँ, रहने के लिए मकान भी मिल गया, बस अब एक अदद बीवी की जरूरत। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम चले जाओ यहाँ से। अरे वाह, रूठे तो यूं जैसे कभी आशना न थे। यूं ही समझ लो। ए, क्या बात? क्या मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है, तुम चले जाओ यहाँ से। माया दरवाजा खोलो। माया ये क्या पागलपन है? तुम चले जाओ आनंद। लेकिन क्यों, मेरा कसूर क्या है? माया माया दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। ब्रिजमोहन स्पीकिंग। हेलो बॉस, मैं किरण बोल रही हूँ। हमारे दफ्तर में नकली दवाइयाँ बनाने की जो खबर आई थी वो गलत नहीं है। कौन सी जगह है वो? डांडा के रास्ते में, स्टार किंग बिल्डिंग के नजदीक। बस अगर सबूत के लिए मैं उनकी फिल्म उतार लूँ तो अपने पेपर के लिए बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। लेकिन किरण, ये काम बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, खास करके एक लड़की के लिए। बॉस आप तो जानते हैं कि मैं खतरों से नहीं घबराती। ओके किरण, लेकिन अपना ख्याल रखना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बॉस। Thank you.
ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। फिल्म क्यों उतार रही हो? नहीं तो? लाओ कैमरा मुझे दो। मेरे पास? पकड़ो! पकड़ो, जाने ना पाए। अरे ऊपर चल। क्यों मिस रिपोर्टर, आपकी तलवार से भी तेज कलम काम नहीं आई जो आप मुझ जैसे फालतू पुलिस ऑफिसर से मदद मांग रही? प्लीज हेल्प मी, यहाँ नकली दवाई का कारखाना है, मैं कुछ सबूत इकट्ठे कर रही थी, गुंडे मेरी जान के पीछे पड़ गए। प्लीज हेल्प मी, नो, बचाओ, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो। क्यों भाई, एक बात बताओ, मेरे होते हुए तुम लोगों ने अपनी बहन को छेड़ने की हिम्मत कैसे की? अब तो खुश हो ना? भाग गया कमबख्त। खैर ये तीनों लंगूर ही काफी हैं। हेलो, व्हाट? ओह माय गॉड, तो तुम लोग ऐसी लापरवाही करते क्यों हो? बड़ी इडियट। और सुनो, वो तीन आदमी जो पकड़े गए उनकी जबान नहीं खुलनी चाहिए, उनसे कह देना उनके बाद इनकी बीवी बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बड़ी स्वाइंस। मैंने अपनी आंखों से देखा, नकली दवाइयां रैप की जा रही थी। मैंने कहा किरण की बच्ची, कर दे इनकी छुट्टी। मैंने झट से अपना कैमरा निकाला, घर करके आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सारा कुछ पिक्चराइज कर लिया। अचानक उनका एक आदमी मेरे सामने आ गया। मैंने कहा किरण की बच्ची, हो गई तेरी छुट्टी। मैं पीछे हटने लगी और एक दवाइयों का बहुत बड़ा रैग मैंने उसके ऊपर फेंक दिया। रैग ऊपर, वो आदमी नीचे और मैं छू। भागते भागते छत पे पहुंची, वो लोग मेरे पीछे पीछे, मैं आगे वो पीछे, और कोई रास्ता भी नहीं था। सामने गुंडे, पीछे कंपाउंड, 20 फुट नीचे। मैंने कहा किरण की बच्ची? करेक्ट, किरण की बच्ची। कूद पड़ और मैंने 20 फुट नीचे जंप मार दिया। 20 फुट नीचे जंप मार दिया? हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं था। जैसे भागी तुम सामने आ गए। अरे शाबाश, बहुत खूब। कलम पकड़ने वाले हाथों में कराटे छुपे हो सकते हैं, मैंने पहली बार जाना। क्या करूं, ये सब सीखना ही पड़ता है उस लड़की को बॉम्बे जैसे शहर में जिसका कोई ना हो। जिसका कोई नहीं होता उसका पुलिस वाला होता है। छोड़ दे वो।
फसाना सीधो। नए साल की पहली रात है, जरा समझने वाली बात है, आजा मोहब्बत बांट ले, ये कुदरत की सौगात है, ये कुदरत की सौगात है, ये कुदरत की सौगात है। अगर सुनहरी मौका आज भी खो जाएगा, एक साल जवानी का और कम हो जाएगा। अगर सुनहरी मौका आज भी खो जाएगा, एक साल जवानी का और कम हो जाएगा। हम सफर कोई मिल जाए तो, हर रात तेरी शब रात है। गुड मॉर्निंग सर। अगर तुम्हें नाचने गाने का इतना ही शौक है तो पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी नाटक कंपनी में काम क्यों नहीं कर लेते? क्या बात है सर? देखो इसे। इस तरह खुले आम नाच गाकर पुलिस का नाम बदनाम करने का क्या मतलब है तुम्हारा? सर वहां बहुत से लोग नाच कर रहे थे। क्या उन बहुत से लोगों में से तुम एक हो? सर वहां मैं अपनी जाती हैसियत में गया था, और फिर उस वक्त ना ही मैं अपनी ड्यूटी पे था और ना ही मैंने अपनी वर्दी पहन रखी थी। वर्दी? इंस्पेक्टर चंद्र मोहन शर्मा, एक पुलिस ऑफिसर सिर्फ वर्दी अपने जिस्म पे नहीं अपने दिलो दिमाग पर भी पहनता है, इसलिए वो हर वक्त ड्यूटी पे रहता है। लेकिन सर क्या इसका यह मतलब हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी जिंदगी के आजाद लम्हों में खुशियां नहीं मना सकता, नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता? बेशक पब्लिक में नाच गाकर वो अपना मजाक नहीं उड़वा सकता। सर मैं नहीं समझता हूं कि मैंने अपना कोई मजाक उड़वाया। ये तुम समझते हो। चंदर अगर तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में रहना है तो अपने तौर तरीके बदलने होंगे। आई एम सॉरी सर, पुलिस ऑफिसर से क्या तौर तरीके होने चाहिए इसके लिए रूल्स बने हुए हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर अपने फुर्सत के वक्त में खुशियां नहीं मना सकता तो उसके लिए रूल्स बदल देने चाहिए। तुम पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर यहाँ कोई ट्रेड यूनियनिस्ट या लीडर बनना चाहते हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ कायदे कानून के अंदर रहकर किसी भी आम इंसान की तरह अपनी आजादी कायम रखना चाहता हूँ। तुम आम इंसान नहीं हो चंदर, एक पुलिस ऑफिसर, और पुलिस की नौकरी तनख्वाह लेके सिर्फ पैसा कमाने का कोई पेशा नहीं है। पुलिस की नौकरी खुद जीने का एक अंदाज है, और तुम्हें अपने आप को उसी अंदाज में ढालना होगा, अपना एक 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 इमेज कायम करना होगा। और ये इमेज हमारी सरकार पुलिस ऑफिसर को वर्दी के साथ नहीं देती, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानी से हर ऑफिसर को अपना इमेज खुद बनाना पड़ता है। पुलिस वाले भीम या रुस्तम की तरह कोई सुपर ह्यूमंस नहीं होते हैं। हर वक्त उनके पास तोप तलवार या बंदूकें नहीं होती। 20-25 गांव में जहां एक ही पुलिस चौकी होती है वहां भी बड़े बड़े डाकू चोर और बदमाश पुलिस वालों का नाम सुनकर कांप उठते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका एक इमेज होता है। फर्ज करो चंद्र, कल तुम किसी नाचने गाने वाले के कोठे पे गाना सुनने के लिए चले गए। बेशक तुमने कोई रूल्स नहीं तोड़े हैं, लेकिन देखने वालों की नजर में तुम्हारा इमेज क्या रहेगा? उस इलाके के गुंडे और बदमाश तुमसे घबराएंगे? शरीफ लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? चंदर, इमेज पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ है। मजहब है, धर्म है, ईमान है। इमेज नहीं तो कुछ भी नहीं। विदाउट एन इमेज देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। Thank you.
बोतल भी खाली, खीसा भी खाली, अब क्या होगा? क्या करूं? बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। नीम नीम चाहिए। अरे जाने दो। कल शादी की सालगिरह है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुबारक हो। आज नहीं, कल। कल पार्टी है और तुम्हें आना होगा। इस बार नानी चलने वाली, वरना तुम्हारी भाभी बहुत नाराज होगी। अच्छा भाई, आ जाऊंगा। तुम्हारी शादी पे भी आया था, अब तुम्हारी शादी की सालगिरह पे भी आ जाऊंगा। प्रॉमिस। श्योर। थैंक यू। आनंद। हाँ? यार एक बात कहना चाहता था। हाँ कहो। सोच रहा था कि भगवान की कृपा से बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुछ दान धर्म की चेष्टा करूं। हाँ क्यों नहीं, नेक काम में देर क्यों? इसीलिए मैं चाहता था कि नेक काम किसी नेक आदमी के हाथों होना चाहिए, और वो नेक आदमी मेरे सामने है। यार जहां अच्छा लगे वहां दान कर देना। रहने दे यार, रुपया तुम्हारा है, पुन भी तुम ही कमाओ। ये नेक काम तुम अपने ही हाथों से करो। मगर मैं तो गुप्त दान करना चाहता हूँ यार। यार मैं दुखियारों को कहाँ ढूंढता फिरूंगा, मेरा काम तो गुनहगारों को ढूंढना है। अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो मेरा कार्ड, वरना कहोगे एड्रेस मालूम नहीं था इसलिए आ नहीं सका। कल शाम 8 बजे, भूला नहीं। बात रही? यस सर। इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी करो। ये तो आपका अच्छा दोस्त है सर। पुलिस वालों का कोई दोस्त नहीं होता।
साहब, क्या बात है, आप जा रहे हैं? भाभी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप पीके से माफी मांग लीजिएगा। अच्छा नमस्ते। जेंटलमैन, इसका मतलब है हमें तीन बातों पर खास गौर करना है। पहली बात यह कि दिल्ली से आई खबर के मुताबिक वो खतरनाक ग्रोह जिसके बारे में काफी दिनों से अखबारों में लिखा जा रहा है, उस ग्रोह का हेडक्वार्टर्स बम्बई में है। इसलिए आज की मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन आदमियों का पता लगाना जिनके ग्रोह के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। मिस्टर कुमार। यस सर। क्या बात है, आप कुछ खोए खोए नजर आते हैं। सॉरी सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। थैंक यू सर। फिर खत्म हो चुकी है और फिर देव की थक भी गई है। मैं देवकी से नहीं माया से मिला हूं। यहां कोई माया नहीं रहती। ठीक है। आज मैं देवकी से ही मिल लेता हूं। मैंने आपसे कहा ना कि यहां हेलो, नहीं अभी तक वो नहीं आए। अच्छा, काफी अच्छी सजावट है। आप भगवान के यहाँ से चले जाइए। ये तो तुमने बरसों पहले भी कहा था। मुझे याद है वो दिन जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग लेकर तुम्हारे घर आया था शादी की तारीख तय करने, तब भी तुमने यही कहा था चले जाओ यहाँ। मैं समझ नहीं सका तुमने शादी से इनकार क्यों कर दिया। फिर सोचा मुझसे बेहतर कोई और इंसान मिल गया होगा तुम्हें जो तुम्हारी मांग चांद सितारों से भर देगा, जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी सोने चांदी के महलों में गुजर जाएगी। मेरा टूटा हुआ दिल तुम्हें दुआएं देता रहा, लेकिन मेरी हर सुबह उदास थी, हर शाम गमगीन, हर रात बेचैन, बेनींद। मैं जो अपने प्यार की हिफाजत न कर सका, वर्दी पहनकर कानून की हिफाजत में खो गया। लेकिन मुझे क्या पता था जिसे मैं भुला न सका वो किसी भले आदमी के घर की शोभा नहीं, बाजारी महफिलों की रौनक। क्या तुमने मेरी शराफत
मेरी इंसानियत, मेरी हैसियत को इसलिए ठोकर मारी कि तुम्हारे पांव में घुंघरू बंधे, तुम्हारे कमर तबले की थाप पे लचके, तुम्हारे गाने पे वाह वाह हो, रुपये बरसे। खामोश क्यों खड़े हो, जवाब दो। तुम्हारे गाने पे जितने रुपये बरसते हैं उससे कहीं ज्यादा रुपये मैं तुम्हारे जवाब पे बरसा दूंगा। जवाब दो देखी भाई। पास आनंद, पास पास। मैंने तुम्हें दुख जरूर दिए हैं, लेकिन लेकिन धोखा नहीं, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह आने वाले सुख के सपने देख रही थी, लेकिन मेरी खुशियों पर एक शैतान का साया पड़ गया। शैतान? हाँ। कौन शैतान? घनश्याम। एक बार हमारे घर तुमसे मिला भी था, तुम्हें याद होगा। उधर तुम ट्रेनिंग पर माउंट आबू चले गए और इधर पिताजी की नौकरी छूट गई। जिंदगी की जरूरतें पूरी करना बहुत ही मुश्किल हो गया और उस पर पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। ऐसी हालत में घनश्याम ने हमारी मदद की, पिताजी को अस्पताल में दाखिल करवाया। एक रात वो मुझे घर छोड़ने के लिए आया, काफी रात बीत चुकी थी। वो वहीं पर रह गया जिसे हमने हमदर्द समझा था, वो एक शैतान निकला। अब तुम ही बताओ आनंद, इस अपवित्र शरीर को लेकर मैं पवित्र अग्नि के सामने तुम्हारे साथ कैसे बैठ सकती थी? कैसे? कैसे? माया, वो कलंक नहीं, एक शैतान का जुल्म था। मेरे प्यार पर विश्वास करके अगर तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता देती तो तुम्हें अपनाने के लिए मैं एक पल भी नहीं सोचता। हमारी जिंदगी इस तरह सुलगती तो न रहती। विधाता जब अपनी स्याही से अंधेरा लिख देता है तब उजाला बहुत दूर चला जाता है आनंद, बहुत दूर। मुझे घनश्याम से शादी करनी पड़ी। घनश्याम से शादी करके मेरी जिंदगी नर्क बन गई। अपनी शराब की आदत के लिए उसने मुझे नाचने गाने पर मजबूर कर दिया। पहले स्टेज, फिर क्लब और फिर लाज शर्म छोड़कर मुजरा। मैं इस बाजारी महफिलों की रौनक बन गई। की पड़ा। आनंद, आनंद तुम छुप जाओ ना, वो शैतान आ गया है। तुम चले जाओ ना, कहीं छुप जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कितनी देर लगा दी? इतनी देर से तबले की तरह दरवाजे को थपथपाते हुए मेरा हाथ टूट गया और साहबजादी आराम की नींद सोई हुई है। बहुत पी रखी है तुमने, चलो चलकर सो जाओ। अब ये सोने का वक्त नहीं है, ये तो पीने का वक्त है। पीने का, हम और पियेंगे। क्या समझी? हम और पियेंगे, जरूर पियेंगे, हम और पियेंगे, जरूर पियेंगे। हुजूर, आप हमसे कोई गलती हो गई क्या? ये प्रोग्राम के लिए आए थे। प्रोग्राम के लिए? प्रोग्राम के लिए? तो हुजूर आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ। आनंद कुमार, अब समझ में आया ये कौन से प्रोग्राम के लिए आए थे। मान गए उस्ताद, मान गए।
आखिर तुमने 15 साल के बाद भी अपनी माशूका को ढूंढ ही निकाला। शड़प शड़प, क्या मेरे घर में मुझे शड़प? घनश्याम चलो यहाँ से, चलो। तू दूर हट आराम से। बेशरम, तुझसे तो मैं बात में निपट लूंगा। सुनो मिस्टर, ये गाने बजाने की जगह है, इश्क लड़ाने का अड्डा नहीं, समझे? गेट आउट, आई से गेट आउट। हरामजादी, मेरी गैर हाजिरी में अपने यार को बुला के रंग रलिया मना रही थी। मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। खबर करनी होगी। पागल हो गए हो क्या? क्या कहोगे पुलिस को? मेरा इसको मारने का कोई इरादा तो नहीं था, इसकी मौत एक एक्सीडेंट है। फिर भी पुलिस को तो बयान देना ही पड़ेगा। क्या बयान दोगे कि आधी रात गए तुम पुलिस कमिश्नर की वर्दी पहनकर देवकी बाई के यहाँ गाना सुनने आए थे? कहाँ जाएगी तुम्हारी शान, क्या कहेंगे लोग? इमेज पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ है, मजहब है, धर्म है, ईमान है। इमेज नहीं तो कुछ भी नहीं। या फिर ये बयान दोगे कि 15 बरस के बाद तुम अपनी पुरानी प्रेमिका माया से मिलने आए थे, तो सब यही कहेंगे कि तुमने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसके पति का खून कर दिया। तो कौन यकीन करेगा कि ये एक एक्सीडेंट था? चले जाओ, मैं सब इल्जाम अपने सर ले लूंगी। नॉनसेंस, ये कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं करने दूंगा। मेरी उजड़ी हुई जिंदगी में अब जीने के लिए रखा ही क्या है? आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन इस वक्त यहां से चलो। यस, हाँ हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन से बोलता है, इंस्पेक्टर मालपानी। हाँ बड़ी, बोलो ना साईं। हैं बदबू बड़ी आता है। देखो भाई, किसी चीज को हाथ मत लगाना। मिस्टर चोपड़ा। यस सर। ये आदमी? ये तो घनश्याम की लाश है इंस्पेक्टर साहब। हेलो किरण, तुम कब आई हैं? मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माफ करना, मैं एक मर्डर केस के पूछताछ के चक्कर में फंस गया था। हाँ मालपानी, तुम्हें क्या लगता है इस मर्डर के बारे में? केस तो क्लियर है साईं, देवकी बाई ने अपने पति का मर्डर किया है। ठीक है, देवकी बाई के नाम वारंट निकलवा दो। विदाउट बेल निकलवाता हूँ। बाइयों के भी पति होते हैं? इसका था शराबी, अय्याश, मार पिटाई करने वाला,
पैसे के लिए हाई सोसाइटी में अपनी बीवी को नचवाने वाला, और क्या सोचने लगी तुम? मैं ये सोच रही हूँ, पहली बार जब उस पत्नी ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे होंगे, तब उस गरीब के दिल पे क्या गुजरी होगी। कोई नई बात नहीं, इट्स एन अनयूजुअल केस। तुम पुलिस वालों के लिए होगा, पर मेरे पेपर के लिए एक दर्दनाक कहानी बन सकती है। कहाँ रहती है वो? जी नमस्ते, मैं किरण हूँ, बॉम्बे न्यूज की रिपोर्टर। आपकी पड़ोसन देवकी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहती हूँ। आइए। थैंक यू, बैठिए। मिसेस कपूर, लगता है देवकी कश्यप को आप अच्छी तरह से जानती थी। अच्छी तरह तो नहीं, दो चार छोटी मोटी मुलाकातें जरूर हुई हैं। कैसे औरत थी वो? पढ़ी लिखी, शरीफ खानदान की लगती थी। पता नहीं किस मजबूरी से इस रास्ते पर आ गई। कौन थी वो, कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी ये तो मुझे पता नहीं। स्टेशन पर गाती अगर वो इतनी अच्छी औरत थी, फिर उसने अपने पति का खून क्यों किया? भगवान करे ऐसा पति किसी को ना मिले, आखिर अत्याचार सहने की भी हद होती है। ओह, अच्छा मिसेस कपूर, थैंक यू। तू भाग गई आपने यार के साथ? अरे चाबी कभी चढ़ गई? शराबी इधर गई? हाँ इधर है, इधर आप लाइए, मैं खोल देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? पानी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। थैंक यू। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए, अंदर आइए। आप इधर बैठिए, मैं आपके लिए अभी पानी लाता हूँ, बैठिए। लीजिए पानी लीजिए। जब मेरे घर में आके कोई पानी भी दे, मुझे बहुत हंसी आती है। लगता है हमीदा बानो भोपाली आपको बहुत पसंद है। ये आप पसंद की बात करती है? अरे मैं तो उसका आशिक हूँ, मैं तो उसका दीवाना हूँ। ये मेरी लैला और मैं उसका मंजू। नहीं मंजू नहीं, मजनू। अपने हमीदा बानो का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जो मैंने नहीं देखा है। अरे क्या गति है मेरी बुलबुल, समझ में? फिर तो आप अपनी पड़ोसन को अच्छी तरह से जानते होंगे, वो भी तो बहुत अच्छा गाती थी। कौन? देवकी भाई? कहाँ मेरी हमीदा बानो इम्पोर्टेड गाड़ी और कहाँ देवकी भाई खटारा बैलगाड़ी। साली अपने पति का खून करके अपने यार के साथ छू गई। आपको कैसे पता चला? अजी मैंने अपने दोनों आंखों से देखा है, उस रात वो अपने यार के साथ जा रही थी। कौन था वो आदमी? वो थे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आपने तो अभी कहा था। आपने पानी पी लिया ना, अभी आप जाइए। कुछ तो उस आदमी के बारे में। मैंने कह दिया ना, अभी आप जाइए और मुझे दारू पीने दीजिए। लेकिन प्लीज आप जाइए। इसके जिगर करके मैं खुद ही पुलिस के चक्कर में आ जाऊं। चलना इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। मर्डर जैसे सीरियस केस की आप इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं? क्या बात है सर। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक घनश्याम का खून देवकी बाई ने किया है, करेक्ट? यस सर। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक देवकी को बिल्डिंग से बाहर जाते किसी ने नहीं देखा, करेक्ट? यस सर। इसीलिए आप इस नतीजे पर पहुंचे कि यह खून देवकी ने ही किया है, करेक्ट? यस सर। लेकिन इस पेपर के रिपोर्टर ने लिखा है उस रात किसी ने देवकी को एक आदमी के साथ जाते हुए देखा है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर शर्मा कि ये रिपोर्टर एक लड़की है और सुमा है आपकी गहरी दोस्त है। क्या मैं ये समझूं कि मर्डर केसेस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डिपार्टमेंट से प्रेस वाले ज्यादा तेज होते हैं?
उफ किरण, ये क्या तरीका है? जो जी मैं छाप मारा, ये क्या तरीका है? जब जी मैं डांट मारा, मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। घनश्याम के खून के बारे में ये खबर तुमने क्यों दी? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, खबरें देना मेरा काम है। खबरें देना मेरा काम है? अरे घनश्याम के खून के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अगर बातचीत के बाद तुम्हें किसी बात का पता भी चला तो अखबार में देने से पहले मुझसे पूछना तुम्हारा फर्ज नहीं था? नॉट एट ऑल। तनख्वाह मुझे अखबार वाले देते हैं, पुलिस वाले नहीं। और एक प्रेस रिपोर्टर की कलम की आजादी के बारे में किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इसी आजादी के कारण एसीपी साहब ने थाने में आकर बड़ी बेइज्जती की। मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि यह खबर मैंने तुम्हें दी है, और उन्हें यह भी मालूम है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो अपने इश्क का चर्चा आम हुआ, इसी बात में मुंह मीठा करो। साहब, सर मैं सच बोल रहा हूँ, सर सच बोल रहा हूँ। अब मानिए तो सर, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ झूठ बोल के मरना क्या? नहीं, यहाँ झूठ बोल के मरना है क्या? सब आपको मेरी कसम, नहीं नहीं आपकी कसम, मैं किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने किसी आदमी को वहां नहीं देखा तो फिर तुमने करण नाम के रिपोर्टर से यह कैसे कहा कि देवकी जब लिफ्ट में जा रही थी तो उसके साथ एक आदमी भी था? बताओ कौन था वो? सर मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है। साईं, सर इस हालत में इसको क्या याद आएगा, ये तो नशे में है। हवलदार, हवलदार नहीं, दो चार ठंडे पानी की बाल्टी सर पे डाल दो, उतार दो साले का सारा नशा। नहीं साहब, नशा उतरने वाली बात मत कीजिए साहब। दो बोतल पीने के बाद नशा मिला, बड़ी मुश्किल से। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सच सच बोलो। देखा था, देखा था। कौन था वो? मुझे क्या मालूम, मैंने कब उसे देखा ही नहीं। अरे बड़ी कुछ तो बोलो, वो कैसा था? छोटा था कि मोटा था? लंबा था कि चौड़ा था? खुला था कि बंद था? बड़ी मूछ वाला था कि दाढ़ी वाला था? पुलिस वाला। बोलो नहीं। बोला ना। क्या बोला? साहब ये बकता है, पुलिस को बदनाम करता है। सर शराब इसके सर चढ़ गई है, आप कहें तो उतार दूं। नहीं नहीं पुढ़ारी, इसे बोलने दो। हाँ तो राम प्रसाद। राम प्रसाद? अबे ओ उल्लू, तुझसे बोल रहा हूँ मैं। मुझसे बोल। तेरा नाम राम प्रसाद है ना? हाँ हाँ याद आया। हाँ तो बोल। कैसी वर्दी पहने था वो, हवलदार की तरह? नहीं 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 नहीं। तो फिर कैसी वर्दी पहने था? क्या बोलूं, ऐसी। ये क्या बकते हो सर? सर ये बहुत ही बदतमीज आदमी है, इसकी तो पिटाई होनी चाहिए। नहीं नहीं कुठारी, ये वही बोल रहा है जो उसने देखा था। हाँ तो राम प्रसाद, तुमने देवकी के साथ खाकी वर्दी में एक पुलिस वाले को देखा? हाँ देखा। बड़ी इसका भरोसा क्या, ये तो दूसरा आदमी टुन होगा नहीं। बहुत मजा, बराबर पहचाना, ठीक कहा। उस वक्त मैं टुन था, लेकिन टुन होने के बाद मैं होश में आता हूँ और मुझे बराबर दिखाई देता है। और पीने के बाद मेरा दिमाग सही जगह पे चलता है। माफ कीजिए साहब, पूछिए पूछिए, तेजी से चल रहा है, पूछिए। अच्छा तो बताओ कैसी शक्ल थी उसकी? साहब शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन वो आदमी वो रूमाल से चेहरा पोंछ रहा था, बस इतना ही देखा। और कुछ और से याद करने की कोशिश करो, शायद कुछ और देखा हो, कंधे पे स्टार, कोई पट्टी। साहब और कुछ नहीं देखा साहब। साहब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था और मैं लिफ्ट की तरफ भाग रहा, इतने में लिफ्ट नीचे जा रही थी, बस एक सेकंड में जो कुछ देखा सब बता दिया। और कुछ मैं जाऊं? ठीक है जाओ, मगर एक शर्त पे कि तुम बंबई छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाओगे, और जब भी तुम्हें बुलाया जाएगा तो मैं यहाँ हाजिर होगे। मंजूर है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। चल भाइयों सामान। नमस्ते नमस्ते। गलती से ले लिया था, माफ कीजिएगा। अरे बीच में चढ़ जा। इसने शक्ल नहीं देखी, सिर्फ खाकी वर्दी देखी है, लेकिन बंबई शहर में ऐसे खाकी वर्दी वाले बड़े छोटे ऑफिसर्स मिला के करीबन 5,000 तो होंगे। सही आदमी का ढूंढना बहुत ही मुश्किल। माल पानी सर, मुख्य तो ये राम प्रसाद रेडियो झूठिस्तान लगता है, इस पर भरोसा करना अक्ल की बात नहीं है। हो सकता है, लेकिन ऐसे शराबी आदमी पर भरोसा ना करना भी अकल की बात नहीं। बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। वरी जो भी पुलिस स्टेशन में आता है नहीं, बर्बाद और तबाह होकर ही आता है। बांके लाल साफ साफ बोलो नहीं, मामला क्या है? कहने और सुनने के लिए कलेजा चाहिए, है आपके पास कलेजा? हाँ वरी, हमारे पास तो कलेजा ही कलेजा है, और है क्या बोलो तुम? भागी भाग गई। भागी भाग गई? हाँ। अरे भागी नहीं भागेगी तो क्या खड़ी भागेगी? भागी कौन? कह जो दिया कि भागी भाग गई। तो तुम्हारी बेटी है क्या? हाय 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 हाय, कैसे रिश्ते जोड़ते हैं आप? नहीं भागी मेरी बेटी नहीं, मेरे ससुर की बेटी है। मेरी जोरू, मेरी अर्धांगनी। वैसे उसका नाम भागीरथी है, पर प्यार से मैं भागी कहता हूँ। तो उसकी उम्र क्या है? मेरी उम्र का तीसरा हिस्सा, 20-22। बड़ी शक्ल की कैसी है? बहुत खूबसूरत,
सर से पांव तक खूबसूरत। ये तो बताओ कि भागी भागी कब? 7 दिन हुए हैं। चढ़िया, उसको भागे हुए 7 दिन हो गए और बेवकूफ तू रिपोर्ट आज लिखाने आया है? कैसे लिखवा था, 4 दिन तक तो बेहोश था और जागा तो लोगों ने कहा कि इंतजार करो। इंतजार करो हा? तो बड़ी थोड़ा सा इंतजार और करो नी, भागी खुद ही तंग होकर वापस भागी चली आएगी। तंग होकर चली आए तो सर आंखों पर हा? पर अगर मोटी होकर चली आई तो? अरे तो क्या, ये पुलिस स्टेशन है, कोई फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट तो नहीं है? मिस्टर मालपानी, मिस्टर मालपानी। बड़ी मैं कैसा मालपानी, असल मालपानी तो तुम हो नहीं? बड़ी आओ नहीं, हवालात को तो अपना घर समझो नहीं? मिस्टर मालपानी है? मैं मुसीबत में हूँ, बहुत बहुत मुसीबत। गुंडों ने छेड़ा है, मैं बांद्रा के सब गुंडों को बंद कर दूंगा। नहीं हाँ। ये बात नहीं है हाँ। मेरे घर पर चोर पड़े हैं। ओह नो, बात ये है कि कल शाम से मेरे घर पर पत्थर पड़े हैं। आप मेरे साथ आइए ना, अपनी आंखों से देखिए। 1 लाख रुपए की बात की है, अरे नेक काम में देरी काई की। चलो वो मेरी भागी। अरे तेरी भागी के पीछे भागू के इसके पीछे भागू? आमिर दत्ती आई है ना, चलो। हेलो 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 हेलो। सब इंस्पेक्टर मालपानी, चल चल चंबेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। टाइगर ताज 4 बजे, ये तो मुझे ही मेवा खिला रही है। बड़ी वो तो पत्थर दिले जो तेरे को पत्थर मारते हैं, बड़ी तेरे को तो फूल मारना चाहिए। यू आर वंडरफुली ब्यूटीफुल। थैंक यू मिस्टर मालपानी। थैंक यू, व्हाट अ स्वीट नेम। आपका नाम मालपानी कैसे पड़ा? बड़ी ऐसा बात है नहीं कि जो मेरा दादा था नहीं उसके पास बड़ा माल था, और जो मेरा बाप था नहीं उसने मेरे दादा का सारा माल पानी कर दिया, तो दुनिया ने मेरा नाम मालपानी रख दिया। मैं समझती थी कि आप किसी का काम मालपानी लिए बिना नहीं करते, इसलिए आपका नाम मालपानी है। बड़ी हम तेरा काम तो चाय पानी में कर देगा नहीं। का खून करके नाचने वाली फरार, बांद्रा में पाली हिल पर स्थित हैप्पी होम अपार्टमेंट्स में 28 जुलाई की रात देव की बाई नाम की एक नाचने वाली के पति की लाश पाई गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मेरी वो सिग्नल क्या हुआ, क्या पढ़ रही? कुछ नहीं। तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा, तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा, पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, वो पेश आएगा।
बस आनंद, बहुत पी चुके हैं। पीने दो मुझे, और पीने से मर जाऊंगा क्या? पैसे भी कौन सा जिंदा हूँ मैं तो जिंदगी और मौत के बीच भटक रहा हूँ, प्यार और फर्ज के बीच भटक रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो आनंद? बोलने दो माया, बोलने दो मुझे। मैंने जिंदगी में दो बार प्यार किया तहे दिल से। मेरा पहला प्यार तुम थी, लेकिन मेरी तकदीर ने मेरे पहले प्यार का गला घोंट दिया। उसके बाद मेरा दूसरा प्यार था मेरी वर्दी, जिसने मुझे तुम्हारे बगैर जीना सिखाया, जिसने मेरे जख्मी सीने पे मरहम की तरह मेडल्स लगा दिए, मुझे इज्जत दी, शौहरत दी। लेकिन आज बेरहम तकदीर मेरा दूसरा प्यार भी छीन रही है। क्यों उसने जगमगाती हुई रोशनी में एक बार फिर मुझे तुम्हारे सामने बिठा दिया? क्यों? जवाब दो। उस रात जो कुछ भी हुआ, क्या वो मेरी भूल थी, तुम्हारी भूल थी? आज अपनी इज्जत का मोह मुझे इस मकाम पर ले आया है कि मेरी आत्मा मुझे दिखा रही है। मैं शराब पीकर भी अपने गम से छुटकारा नहीं पा सकता, ना मैं अपनी वर्दी से वफादार हूं, ना मैं तुम्हारे साथ इंसाफ कर सकता हूं। क्यों बेरहम तकदीर हमें कठपुतली की तरह नचा रही है? क्यों तकदीर ने हमारी जिंदगी उजाड़ के रख दी? I'm sorry. हेलो। ओ साईं, वो देवकी भाई ने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया है। क्या? देवकी ने अपने आप को खुद पुलिस के हवाले कर दिया? तुम उसका ख्याल रखो, मैं अभी आकर उसका बयान लेता। क्या नाम है तुम्हारा? देवकी। असली नाम क्या है? असली नाम तो पहली बार घुंघरू बांधते हुए जो आंसू बहाए थे उनमें बह गया। क्या बयान देना चाहती हो? मेरे हाथों मेरे पति घनश्याम का खून हो गया है, मैं अपने जुर्म का इकबाल करती हूँ। तुम जानबूझकर फांसी का फंदा अपने गले में डालने यहाँ क्यों आई हो? इसलिए कि मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है और कानून के लंबे हाथों से दूर भागने की शक्ति अब मुझ में नहीं। इतने दिनों तक तुम कहां थी और किसके साथ थी? किसी के साथ नहीं, पुलिस से बचने के लिए इतने दिनों एक डरे हुए जानवर की तरह इधर उधर छुपती रही। घनश्याम का खून तुमने कब किया और क्यों किया? घनश्याम ने 15 बरस से मेरी जिंदगी को नर्क बना रखा था। पैसे के लिए वो मुझे महफिलों में नचवाता था, रोज शराब पीकर मुझे गालियां देता और मारता था। उस 26 जुलाई की रात भी 2 बजे के करीब नशे में धूत होकर वो घर लौटा। उसने और शराब मांगी, मैंने देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने अपने बचाव में उसे धक्का दिया, वो लड़खड़ा था, वो जमीन पर गिर गया
और जमीन से सर टकराने की वजह से वो मर गया। उस वक्त तुम्हारे फ्लैट में और कौन था? मेरे और घनश्याम के सिवाय तीसरा कोई भी नहीं था। देखो देवकी भाई, साफ साफ सच सच बता दो तो कानून रहम खाकर तुम्हारी सजा कम भी कर सकता है, वरना याद रखो कानून बेरहम है और झूठों के लिए बहुत बहुत बेरहम। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच ही कहा है। तुम झूठ कह रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूं। देवकी भाई, जिंदगी में इतने आदमियों के सामने तुम नाची नहीं होगी जितनों को मैं रोज अपनी उंगलियों पर नचाता रहता हूं। तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। हमें अच्छी तरह मालूम है कि उस रात वहां पे कोई और भी था। ये सरासर झूठ है, गलत है, मेरे साथ कोई नहीं था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो देवकी भाई। तुम्हारे अपने एक पड़ोसी रामप्रसाद ने खुद अपनी आंखों से तुम उस आदमी के साथ लिफ्ट में नीचे जाते हुए देखा है, और वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था बल्कि एक पुलिस ऑफिसर था। अब बताओ कौन था वो और तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? जवाब दो। खामोश क्यों होगे, बोलती क्यों नहीं? मैं कह चुकी हूं मेरे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। सारी बिल्डिंग जानती है राम प्रसाद एक महाशराबी और झूठा आदमी है। भाई जी, कौन झूठा है कौन सच्चा है जानना हमारा काम है, तुम ये बताओ कि वो आदमी कौन था। आप एक शराबी की बातों पर विश्वास करके मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपके दबाव में आकर झूठा बयान नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जवाब दो, खामोश क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? मैं कह चुकी हूं मेरे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। देखो देवकी भाई, अगर अपना भला चाहती हो तो अब भी सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ वो पुलिस ऑफिसर कौन था। मैं 100 बार कह चुकी हूं मेरे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। मालपानी ऐसे नहीं मानेगी, कल तुम राम प्रसाद को बुलवाओ, फिर देखता हूं उसके सामने इनकी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे होती है। बंद कर दो हवालात। मैं देवकी बाई भगवान की सौगंध खाकर अपना यह बयान लिख रही हूँ कि 26 जुलाई की रात 2 बजे मेरा पति घनश्याम बहुत ही पिए हुए घर आया और उसने रोज की तरह बेमतलब मेरी पिटाई की। मेरे लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। मैंने अपने बचाव में उसे धक्का दे दिया, वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और बेजान सा हो गया। पहले मैं समझी कि वो बेहोश हो गया है, लेकिन वो मर चुका था। उस वक्त घर में मैं और घनश्याम ही थे, तीसरा कोई नहीं था जैसा कि पुलिस को शक है। देवकी, इसका आखिरी बयान। आ, 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 आ,
आनंद, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए हमेशा एक अभिशाप बनी रही। बेहतर होगा मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊं। तुम्हारी कामयाबी और शान में ही मेरी शांति है। तुम्हारी माया। देवकी बाई ने अपनी जान दे दी इस बात का दुख है, लेकिन उसने खुदकशी करके अपने बयान पे जो सच्चाई का ठप्पा लगाया है वह हमें गुमराह करने की कोशिश है। गुमराह करने की कोशिश? हाँ, अगर उसको मरना ही था तो कहीं भी जाकर मर सकती थी, हमारे ही थाने में आकर क्यों मरी? इसलिए कि वो डर गई कि हम अपने गवाह राम प्रसाद के सामने उससे कहीं ये सच न उगलवा लें कि उस रात उसके साथ कौन था। सर, मैं समझता हूं जब मुलजिमा इकबाले जुर्म करके मर गई है तो ये केस खुद ब खुद बंद हो गया। ये केस तब तक बंद नहीं होगा कोठारी, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि वो खाकी वर्दी वाला कौन है जिसका नाम छुपाने के लिए देवकी बाई ने आत्महत्या की। अगर उसका इस जुर्म में जरा भी हाथ है तो बहुत ही खतरनाक है। कानून की हिफाजत करने वाली खाकी वर्दी पहनकर उसे समाज में आजाद घूमने का कोई हक नहीं। मालपानी। यस सर। तुम पता लगाओ राम प्रसाद किधर है ताकि कोई सुराग मिल सके को पुलिस ऑफिसर आखिर है कौन। हेलो चंद्र। सर आप तो छुट्टी पे थे सर। हाँ, आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। तुम्हारा फोन खराब है क्या? यस सर। काफी देर से मैं फोन कर रहा था। ऑफिस जाते वक्त मैंने सोचा खुद ही जाकर पूछ लूं उस ड्रग फैक्ट्री के जो लोग पकड़े गए थे उनसे क्या पता चला। कुछ नहीं सर, हर तरह की कोशिश की लेकिन लगता है इन कठपुतलियों के पीछे जो असली हाथ है उसने इनके मुंह पे ताला लगा दिया है। तो फिर उन्हें तुम हेडक्वार्टर्स भेज दो, हम भी कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। ओके सर। थैंक यू। नो इट्स ओके, नो फॉर्मेलिटीज, तुम अपना काम करो। सिट डाउन। मेरे फोन का इंतजार करना। और सर आप अब तक कहीं हैं? सर ये कैसे हुआ? क्या सर? ये औरत कल यहां बयान देने के लिए आई थी और इसने आत्महत्या कर दी। तुमने इसे इस हद तक सताया, इतना टॉर्चर किया कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई? हमने इसे टॉर्चर किया? नहीं सर, हमने इसे कोई टॉर्चर नहीं किया। इस पे पति के खून का इल्जाम था और हमें पता लग चुका था उस वक्त इसके साथ एक कोई और भी था। हमने बहुत पूछताछ की सर, मगर इसने उसका नाम छुपाने के लिए आत्महत्या कर ली। सर इस औरत का नसीब देखिए सर, नाम छुपाकर जिसकी इज्जत इसने बचाई इसके अंतिम संस्कार में वो भी नहीं आ पाएगा। छूट
जाते हैं। तकदीर तुझ पे हंसेगी, तू रो न पाएगा। पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा। पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, वो पेश आएगा, वो पेश आएगा। कौन हो तुम? क्या हुआ? सर, मैं सब इंस्पेक्टर पाटकर हूं। परसोवार रोड पर भास्कर कॉलोनी में एक बहुत बड़ा गोडाउन है जहां स्मगलिंग का सामान भरा पड़ा है। वहां 10-15 आदमी बहुत खतरनाक। आप वॉरन फोर्स भेज दीजिए। मैं अकेला था इसलिए कुछ नहीं कर सका। था वो हरामजादा जिसने आनंद तक हमारी खबर पहुंचाई। बॉस, कल रात जॉन को एक आदमी पे शक हुआ था कि वो इन लोगों पे निगाह रख रहा है। यस बॉस, मैंने उस आदमी को खत्म करने की कोशिश की लेकिन वो जख्मी होकर निकल भागा। हो सकता है वो पुलिस का आदमी हो। ये बंबई की पुलिस तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है। पिछले 10 महीनों में जो हमारा नुकसान हुआ है वो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। इन हालात में हमें अपना कारोबार कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। लेकिन बॉस, ऑर्गेनाइजेशन का खर्च कैसे निकलेगा? उसका ख्याल है मुझे। बहुत जल्द एक ऐसा काम होने वाला है कि पैसा ही पैसा होगा। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सारी परेशानियों की शुरुआत की थी शेट्टी ने, पर बॉस मुझे पता चला है कि उसका भाई रमन्ना बंबई आ गया है। गुड, उसका भाई आया है तो शेट्टी भी आएगा अपने भाई की अर्थी उठाने के लिए। उसके भाई को खत्म कर दो। Kill him! Ramana? Sai? Sir. Sir. Ram Prasad mila? Sai, Ram Prasad ne tumhari taange dheeli kar di. Aaju dekha, baaju dekha, oopar dekha, niche dekha. आगे देखा, पीछे देखा, मगर वो तो कहीं मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता नहीं या कोई खाकी वर्दी वाला उसे सामने आने नहीं देता। लेकिन उस खाकी वर्दी वाले को ये नहीं मालूम कि मैंने भी खाकी वर्दी पहनी है। उस शराबी को कहां ढूंढना है ये मुझे मालूम है। आज आपके लिए स्पेशल माल लाया हूँ। स्पेशल मजा चना लाऊं उस्ताद?
जना पेड़ में जाने के बाद फूल के फुटबॉल बन जाता है, दारुगुले जगह ही नहीं रहती है, समझ में आया? देखो उस्ताद, अपना मजाक नहीं करना, अपनी तो सिर्फ गर्दन हिलती है, ये बाकी पेट में जाने के बाद तुम तो सर से पांव तक हिलते हो। दो मिनट पहले तो डर रहे थे और थोड़ा माल पीते ही शेर बन गए। अरे जला डर और राम प्रसाद, अरे बम्बे में बड़े बड़े गुंडों की छुट्टी कर दी मैंने, तुझे नहीं मालूम एक टाइगर का माल किसने पकड़ाया था? किसने? श्री राम प्रसाद। अरे डर तो मेरे पास आने से डरता है। राम प्रसाद तेरी मौत। मेरी बात तो सुने, हो जाओ। राम प्रसाद, तूने सिर्फ 15,000 रुपए के लिए मेरे भाई को मरवा दिया है, लेकिन आज मैं तेरे 15,000 टुकड़े कर दूंगा। नहीं, 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 नमक हराम कुत्ते, बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पठान के बच्चे, फुट जा यहां से। तुझे नहीं मालूम है तू जिसका सामना कर रहा है उसका नाम शेट्टी है। अबे ओ शैतान की औलाद गैंडे, तुझे भी नहीं मालूम कि जिसका सामना तू कर रहा है कालिए, उसका नाम इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा है। तेरा जैसा 200 इंस्पेक्टर देखे मैंने। फोटो देखे होंगे, इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर नहीं। चलो उठो राम प्रसाद। राम प्रसाद यहां से जिंदा नहीं जा सकता। राम प्रसाद यहां से जिंदा ही जाएगा, दो लाशें जाएगी। शेट्टी, मगर नहीं शेट्टी, हम पुलिस वालों का काम चाकू चलाना नहीं, बल्कि तुम जैसे लोगों के हाथों से चाकू छुड़वाना है। चलो राम प्रसाद। इंस्पेक्टर, शेट्टी के हाथ भी किसी चाकू से कम नहीं। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। रख राम प्रसाद, बचा दे, कौन है? शेडे, तेरी ताकत तेरा शौक है, मेरी ताकत मेरा पेशा। अब ये दरवाजा तेरा खेल खत्म करने के बाद ही खोलूंगा। शेडे, जिन हाथों पे तुझे बहुत गुमान था ना, उन हाथों के हालत अपनी आंखों देख। तेरा खेल अब खत्म हुआ शेडे, अब राम प्रसाद के साथ साथ तू भी मेरे साथ थाने चलेगा। Thank you.
रामप्रसाद, रामप्रसाद, राम। बॉस, टाइगर के गोडाउन के बारे में जिस आदमी ने पुलिस को खबर दी थी उसका नाम रामप्रसाद है। Kill him. मुझे डर है कि रामप्रसाद को कहीं कोई मार न दे और मुझे वो जिंदा चाहिए। अगर वो जिंदा है तो उसे तुम्हारे सामने लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी? चंदर, क्षमा जलती है तो परवाना आता है ना? जरूर आता है। रामप्रसाद की क्षमा का नाम है हमीदा बानो भोपाली। वो मशहूर कव्वालन? वो उसकी आवाज का दीवाना है। तुम हमीदा का एक शो अरेंज कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। इस हुस्न के नखरे नाजो नजाकत, हुस्न के नखरे नाजो नजाकत, इस हुस्न के नखरे ओ नखरे, हुस्न के नखरे नाजो नजाकत, रोज रोज अब कौन सहे हम, आज ये किस्सा खत्म करें हम, आज ये किस्सा खत्म करें, या हुस्न रहे या इश्क रहे हम, आज ये किस्सा खत्म करें, खुद धोखा दगा फरेब करे, खुद धोखा दगा फरेब करे, इल्जाम ये हुस्न पे देता रहे हम, आज ये किस्सा खत्म करें। देखा दर्द का मारा एक आशिक मस्ताना, जंगल जंगल मारा मारा फिरता था दीवाना, फिरता था दीवाना, मुझको देख के कहने लगा हो, मुझको देख के कहने लगा, और सुन ले मेरा फसाना, हर आशिक के घर घर में पैगाम मेरा पहुंचाना, के हुस्न को इतना लूटो मारो, हुस्न तो इतना लूटो मारो, सारी उम्र ही रोता रहे हम, आज ये किस्सा खत्म करें हम, आज ये किस्सा खत्म करें। Thank you.
दौर देखा, इनका हर दौर देखा, इनका हर दौर देखा, इनका हर दौर देखा। वो सलमा या सुलेखा है सब धोखा ही धोखा। इनका हर दौर देखा, इनका हर दौर देखा। बन के ना निकलो तो ये दिल ना फिसले। कोई उम्मीद नहीं, आपको कुछ पूछना हो तो। रामप्रसाद, 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 मेरी तरफ देखो रामप्रसाद, मेरी तरफ देखो रामप्रसाद। 26 जुलाई की रात देवकी बाई के साथ जो पुलिस ऑफिसर था, क्या तुमने उसे अच्छी तरह देखा था? कुछ तो याद करने की कोशिश करो रामप्रसाद, कोई निशानी, कोई पहचान, कुछ तो बताओ मुझे। कुछ याद आया रामप्रसाद? सफेद। हाँ बोलो बोलो बोलो। सफेद। हाँ बोलो, बोलो, बोलो। वो पट्टी यहाँ, यहाँ, यहाँ। क्या तुम सच बोल रहे हो रामप्रसाद? माय गॉड, सफेद नीली पट्टी यानी कमिश्नर सर। 26 जुलाई की रात को 5 में से सिर्फ 3 कमिश्नर बंबई में मौजूद थे, कुलकर्णी साहब, गुप्ते साहब और कुमार साहब। ठीक है, तुम गुप्ते साहब और कुलकर्णी साहब से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करो। सर एक बार फिर सोच लीजिए। हाँ साईं, रामप्रसाद तो सारी उम्र झूठ बोलने वाला शराबी था, नहीं हो सकता है उसने झूठ ही बोला। ओफो मालपानी, अगर जीवन भर सच बोलने वाला युधिष्ठिर एक बार झूठ बोल सकता है, तो यह भी हो सकता है कि जिंदगी भर झूठ बोलने वाला ये रामप्रसाद एक बार मरते वक्त सच बोल गया हो। और मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि मरते वक्त उसकी आंखों में सफाई और होठों पर सच्चाई थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने अपनी असलियत छुपाने के लिए पुलिस कमिश्नर की वर्दी पहन ली हो? अरे तुम क्या चाहते हो कि मैं सैकड़ों हजारों आदमियों को रोज थाने में बुलाकर यह पूछता रहूं कि 26 जुलाई की रात को कमिश्नर की नकली वर्दी किसने पहनी थी? क्यों ना मैं उनसे पूछूं जो रोज असली वर्दी पहनते हैं कि 26 जुलाई की रात को वो कहां थे? साईं
वड़ी इतने बड़े बड़े अफसर नाराज हो गए तो अपनी तो छुट्टी हो जाएगी नहीं सर बेहतर ना होगा कि हम आईजी साहब या होम सेक्रेटरी को रिपोर्ट करें नॉनसेंस अगर कोई भी पुलिस कमिश्नर उस रात वहाँ अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे गया होता तो हमारे पास रिपोर्ट आ गई होती और अगर उनमें से कोई भी अपनी जाती हैसियत में वहाँ गया है और उसका इस खून से कोई भी ताल्लुक है तो कानून की नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक पुलिस कमिश्नर है या आम आदमी सर अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी है हाँ कोठारी देखना है ये सिर्फ हवा का झोंका है या किसी आने वाले तूफान का पैगाम Come in. आप टोक्यो से आए हैं जी नहीं हांगकांग से आपका निशान और आपका खूबसूरत निशान प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए विस्की आई डोंट माइंड प्लीज सिट डाउन थैंक यू पानी या सोडा नीट ऑन द रॉक्स थैंक यू चीयर्स चीयर्स अब बताइए काम क्या है काम बहुत बड़ा है छोटे काम करने की वजह से मुझे आदत भी नहीं है आप इस आदमी को पहचानते हैं मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर भटनागर जो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करके हिंदुस्तान की तकदीर बदल रहे हैं यस डॉक्टर भटनागर हमें जिंदा चाहिए किडनैपिंग एग्जैक्टली इनका सोलर एनर्जी का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है वो फॉर्मूला हमें चाहिए आपका काम होगा इन्हें जिंदा पकड़कर हमारे हवाले करना आपकी कीमत क्या है इतनी बड़ी हस्ती पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट शर्त जिंदा लाने की और हमारी जान को खतरा कीमत होगी 1 करोड़ 25 लाख अभी बाकी का काम पूरा होने पर यस और नो इट्स अ डील यस सर वो पिछले दिनों पाले हिल पे हुए खून के सिलसिले में तहकीकात करने आया हूँ सर कि उस रात 12 बजे से 4 बजे के दरमियान आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे सर किसका खून हुआ था एक नाचने गाने वाले के पति का सर क्या तारीख थी 26 जुलाई सर इस किस्म के घटिया आदमी के खून से मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है जी सर वो एक गवाह ने बयान दिया है कि तुम अपने होश में तो हो इंस्पेक्टर डोंट वेस्ट माय टाइम यस सर हाँ फिर सर उसी सिलसिले में मैं ये जानना चाहता हूं कि 26 जुलाई की रात को 12 और 4 बजे के बीच आप कहां थे और क्या कर रहे थे इंस्पेक्टर शर्मा अब तक मैं तुम्हें काबिल और होशियार अफसर समझता था लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम में जरूरत से ज्यादा जोश है तुम्हें अपने हद में रहना चाहिए इंस्पेक्टर यू कैन गो सर ट्राई टू अंडरस्टैंड आई से यू कैन गो यस सर ये हैं मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर केसी भटनागर सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इस चेहरे को गौर से देख लो हमारे कुछ विदेशी दोस्त वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर भटनागर को उनके हवाले कर दें जिंदा इसलिए डॉक्टर भटनागर को किडनैप कहां से करना होगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूं स्लाइड प्लीज
यह है सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट का पहला गेट, बॉम्बे से 60 किलोमीटर दूर बॉम्बे पूना रोड पर वाकई है। नेक्स्ट। और यह उस इंस्टीट्यूट का दूसरा गेट है, बगैर छानबीन और चेकिंग के इस गेट के जरिए इंस्टीट्यूट के अंदर जाना या अंदर से बाहर आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। लाइट्स ऑन प्लीज। दोस्तों, मैंने अपने काम के लिए 5 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है। फार्मूले की कामयाबी का ऐलान करने के लिए पहली बार उस इंस्टीट्यूट में देश के बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उस रोज वहां वो पत्रकार नहीं बल्कि हम जाएंगे। घर की बेगम पे तो बस चलता नहीं, लेकिन ताज की बेगम ने रमी डिक्लेयर करा दी। ओह गॉड, फुल है। गुड। एक्सक्यूज मी सर। यस। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी सर। एक्सक्यूज मी। यस इंस्पेक्टर। सर, मैं वही 26 जुलाई की रात के बारे में पूछने आया था आपसे। व्हाट नॉनसेंस, ये कोई पूछताछ की जगह है? अच्छा, तो 26 जुलाई की रात आपको भी परेशान कर दिया कुलकर्णी साहब। यस मिस्टर गुप्ते, दरअसल हमें कमिश्नर साहब से सिफारिश करनी चाहिए कि इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा की तरक्की कर दी जाए, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा लगन से काम करने वाले अफसर हैं। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। 26 जुलाई की रात 12 से 4 बजे के बीच आप लोग कहां थे, ये जानना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। तुम हमें डराना चाहते हो? नो सर, मैं सिर्फ अपने केस की पूछताछ कर रहा हूं। अगर आप लोग अपना बयान यहां नहीं देंगे तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान देना होगा। अपने सीनियर अफसरों से बात करने का ये तरीका है तुम्हारा? मिस्टर कुलकर्णी, क्या बात क्या है? कुमार साहब, ये इंस्पेक्टर अपने औकात भूलकर हमें पुलिस स्टेशन बुलाने की धमकी दे रहा है। क्या यह सच है इंस्पेक्टर? सर, एक केस के सिलसिले में इनका बयान बहुत ही जरूरी है। बार बार कोशिश करने पे भी मुझे इनका बयान नहीं मिला सर, इसलिए मुझे आना पड़ा। मिस्टर कुलकर्णी, अगर ये किसी केस की तहकीकात कर रहा है तो मेरे ख्याल से अपनी ड्यूटी कर रहा है। इन दैट केस हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वी शुड एनकरेज हिम। ठीक है, कल तुम हमारे ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू सर। अच्छा कुमार साहब, सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। इट्स ओके। वैसे कौन से केस की इंक्वायरी कर रहे हो? जी सर, 26 जुलाई की रात हैप्पी होम अपार्टमेंट्स में खून हो गया था। मैं तो डर गया था सर कि मुझे ये केस कहीं बंद न करना पड़े, लेकिन आपकी मेहरबानी से ऐसा लगता है सर जैसे मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। गुड नाइट सर। दोनों तो बेगुनाह निकले, तो फिर क्या कुमार साहब? कुमार साहब जैसे शरीफ ऑफिसर पे शक करके क्यों अपने आप को जला रहे हो? ओफ किरण प्लीज, कुमार साहब कैसे ऑफिसर हैं ये तुमसे बेहतर मैं जानता हूं, और इसलिए तो जल रहा हूं मैं। तो उनका सरसरी बयान लेकर इस केस को खत्म कर दो ना।
साहब नमस्ते। साहब जी आपका अर्जेंट लेटर आया है। ठीक है तुम जाओ। अच्छा साहब। अब जो बयान कुमार साहब से मैं लूंगा वो बयान सरसरी नहीं होगा। क्यों? क्या लिखा है लेटर में? 24 घंटे में स्पेशल ड्यूटी पे कुमार साहब की तरफ से मुझे पूना पहुंचने का ऑर्डर है। मैं कुछ पूछताछ ना कर सकूं इसलिए जानबूझकर मुझे यहां से हटाया जा रहा है। मैं ही पागल थी जो रामप्रसाद जैसे शराबी आदमी का बयान छाप दिया। जरा सोचो चंदर, रात के अंधेरे में एक पल में एक शराबी इंसान ने जो कुछ देखा वो उसकी आंखों का भ्रम भी तो हो सकता है। हाँ भ्रम हो सकता है, मगर दिन के उजाले में बरसों तक मैं जो कुमार साहब को देवता समझता रहा वो भी तो मेरी आंखों का भ्रम हो सकता है। लेकिन चंदर, कुमार साहब जैसे शरीफ ऑफिसर का देवकी बाई जैसी नाचने गाने वाली के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किरण, मैं यही सोच रहा था कि थाने में देवकी बाई की लाश को देखकर कुमार साहब को सदमा क्यों पहुंचा था? क्यों उनका चेहरा उतर गया था? क्यों उनकी आवाज थर थर कांप रही थी? अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं किरण कि इन दोनों के पीछे जरूर कोई कहानी है। दैट्स डेफिनेट। मात्रे, कुमार साहब हैं? वो तो पूना गए हैं। पूना गए? कब लौटेंगे? कल। कल? तब तो मेरी मुलाकात उनसे होगी नहीं। मैं कुछ मदद कर सकता हूं आपकी सर? नहीं, लेकिन इतना तो बता सकते हो मात्रे कि अचानक मुझे पूना क्यों भेजा जा रहा है? सर, पूना के लिए तो आपसे भी सीनियर 5 अफसरों के नाम थे, लेकिन कुमार साहब ने सबका नाम हटाकर आपको ही चुना। मुझे तो चुनना ही था। सर, आपके लिए पेपर्स। थैंक यू मात्रे। मात्रे, क्या तुम बता सकते हो कि 26 जुलाई की रात को कुमार साहब किसी ड्यूटी पे थे? 1 मिनट सर। सर, 26 जुलाई की रात को वो होम सेक्रेटरी के साथ अर्जेंट मीटिंग में थे। थैंक यू। 1 मिनट सर। लेकिन कुमार साहब रात को 12 बजे अचानक मीटिंग छोड़कर चले गए थे। अचानक क्यों? पता नहीं सर। उसके बाद कहां गए थे? मालूम नहीं सर। थैंक यू मात्रे। इट्स ऑल राइट। चलो चंदर, खाना खा लो। माँ आशा तो अभी आई नहीं, थोड़ा और उसका इंतजार कर ले। नमस्ते माँ जी। आओ आओ बेटी, आओ। ये लो पढ़ो, कुमार साहब का एक और सनसनीखेज कारनामा। मुझे भी तो बताओ बेटी, क्या बात है? माँ जी, पूना में कुमार साहब ने एक खतरनाक गैंग का अकेले ही सफाया कर दिया है, और ये साहब है उन पे एक नाचने वाले के पति के खून का शक कर रहे हैं। कुमार पे शक? क्यों चंदर, क्या ये सच है? शक मैं नहीं कर रहा माँ, शक कानून कर रहा है। अगर हालात कुमार साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मुझे कुमार साहब से पूछताछ करनी ही पड़ेगी। तुम उस देवता आदमी पर कीचड़ उछालना चाहते हो जिसे आज तक तुमने अपना आदर्श, अपना गुरु माना? माँ, तुम जज्बात में बह रही हो। जज्बात मेरे सीने में भी है, मगर इस शरीर पे एक वर्दी भी है जो मुझे कानून की रक्षा करने के लिए दी गई है। कानून की रक्षा के लिए दी गई है? कनकपुर में अगर उसने तुम्हारी जान की रक्षा न की होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। उन्होंने अगर मेरी जान बचाई है तो उन्हें यह हक तो नहीं कि वो दूसरों की जान लेते फिरे। माँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए ये मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। किरण, मैं जिस बारूद को माँ से छिपा रहा था तुमने उसे चिंगारी लगा दी। I'm sorry. ये देखो, 25,000 रुपए। इतने रुपए कहाँ से आ गए माँ? ये कुमार की जिंदगी भर की कमाई है जो आशा की शादी के लिए देकर गया है। उसने मुझे अपने सर की कसम दी थी कि मैं ये बात तुमसे न कहूं, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक जाए और तुम उसके पैर पकड़ लो। माँ, ये मदद नहीं है।
ये रिश्वत है। ठीक ठीक ठीक, कुमार और रिश्वत। चंदर, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने एहसान फरामोश हो सकते। माँ, तुम्हारा बेटा चंदर एहसान फरामोश नहीं है। तुम कहो तो चंदर कुमार साहब के लिए अपनी जान तक दे सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर चंदर ना अपनी माँ का है ना कुमार साहब का। उसका रिश्ता सिर्फ कानून से है और कानून बेरहम है। जल्दी करो भाई, चलो आप। एक मिनट ठहरना। गुड मॉर्निंग साई। साई नहीं सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हुआ मालपानी जी तुम मेरे जाने से पहले यहाँ आ गए। कोई काम है सर? काम तो बहुत जरूरी था मालपानी, लेकिन तुम अपने काम में कभी सीरियस होते ही नहीं। कमाल करते हो साईं, मैं आपकी सोबत में इतना सीरियस हो गया हूँ, आप फिर भी शिकायत करते हैं। सीरियस तो तुम अनीता के घर के चक्कर लगाने में हो। साईं, वो तो बहुत ही सीरियस चक्कर है। क्या मतलब? मतलब यह कि बहुत ही जबरदस्त जासूसी के बाद मैंने पता लगाया है कि अनीता का टाइगर के गैंग से कनेक्शन है, और इसीलिए तो साईं मैं अनीता के लव में बेवकूफ बनता रहा। मालपानी, अगर तुम इतने ही सीरियस हो गए हो तो चाहो तो मेरा भी एक काम कर सकते हो। हुक्म कीजिए साईं। देखो मालपानी, मुझे पूरा यकीन है कि कुमार साहब मुझे पूना इसलिए भेज रहे हैं ताकि मैं उनसे ये सवाल ना कर सकूं कि 26 जुलाई की रात को वो कहां थे। क्या बात करते हो साईं? हाँ, मुझसे वादा करो मालपानी कि मेरे जाने के बाद तुम कुमार साहब से मिलके उनसे ये सवाल जरूर करोगे। बोलो मालपानी, है हिम्मत? सर, आप जैसे बहादुर अफसर के साथ काम करते करते अब हिम्मत की कोई कमी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं आपका अधूरा काम पूरा करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू मालपानी। थैंक यू सर। सर नहीं, साई। हाँ, साई अच्छा लगता है मालपानी। थैंक यू साई। क्या प्रेस वाला लग रहा हूँ या नहीं? प्रेस वाला? अरे बॉस, आप तो कोई बढ़िया पेपर के सीनियर एडिटर लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। सब लोग गए? यस बॉस। ये लो चाबी। चाबी? हमारे साथ हमारा माल भी इस देश से बाहर जाएगा। ओह। तुम एक काम करो, नौकर से सारा माल निकाल कर पनवेल से आगे वाले अड्डे पे पहुँच जाओ। यस बॉस। फोन। हेलो, कौन? हाँ इब्राहिम, मैं अनीता बोल रही हूँ। अच्छा, ओहो, एक मिनट। बॉस, पूना से इब्राहिम का फोन है। वो कह रहा है कि बंबई की पुलिस ने इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा को उनके पीछे लगा दिया है और उससे बहुत खतरा पैदा हो गया है। इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा को फौरन खत्म कर दो। हेलो, चंद्रमोहन शर्मा स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, मैं डेली न्यूज के ऑफिस से असिस्टेंट एडिटर प्रकाश टंडन बोल रहा हूँ। बोलिए। आपकी फ्रेंड मिस किरण ने दिल्ली से आपके लिए एक बहुत जरूरी मैसेज भेजा है। दिल्ली से? जी हाँ, आप अगर हमारे ऑफिस में आ सकें तो। अभी आता हूँ थोड़ी देर में। मात्रे। यस सर। प्रेसिडेंट थॉमसन का अराइवल कैसा रहा? परफेक्ट सर। उनका शेड्यूल क्या है? सर 11 बजे विधानसभा को एड्रेस, 1 बजे राजभवन में लंच और 4 बजे थॉमसन डैम का उद्घाटन। ट्रैफिक? ओके सर। सिक्योरिटी? ओके सर। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। गुड। सर बॉम्बे कल्चरल फोरम का इनविटेशन। अब किस बात के लिए? सर इधर आपने पिछले दिनों में जो कुछ भी किया उसके लिए वो लोग आपका दोबारा अभिनंदन करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा बॉम्बे कल्चरल फोरम ने इससे पहले भी इसी मंच पर कुमार साहब का स्वागत किया था जब वो बंबई में नए नए आए थे। तब हमने कुमार साहब से बहुत सी आशाएं की थी और आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कुमार साहब ने उन तमाम आशाओं को पूरा करके हमारे विश्वास को कायम किया है। अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे कुमार साहब ने पुलिस और कानून के दामन पर कोई दाग लगने नहीं दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये
एक बहादुर, निडर और नेक ऑफिसर हैं। नहीं, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूं, नहीं हूं मैं वो। सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मैं घर जा रहा हूं। दुबे साहब, मैंने वहां मिस किरण को भेजा है। यू नो शी हैज गॉट ए साइंस बैकग्राउंड। वेरी गुड, किरण विल बी ऑल राइट। डॉक्टर भटनागर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है क्या? हाँ जी हाँ, प्रेस रिपोर्टर्स आज पहली बार सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कदम रख रहे हैं। लगता है एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। हाँ, ये मिस किरण का मैसेज। शुक्रिया। प्लीज बी कंफर्टेबल, मैं अभी हाजिर हुआ 5 मिनट। चंदर, तुम्हारे जाने के बाद अचानक मुझे दिल्ली आना पड़ा। मौका मिलते ही मैंने दिल्ली रेडियो स्टेशन पर जाकर माया की पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन की। मुझे पता चला कुमार साहब के बारे में, तुम सही थे, मैं गलत। ये रेडियो फोटो उनके पुराने प्यार की कहानी का सबूत है। तक गिर सकते हैं, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जी साहब, मैं अपने इस्तीफे के साथ अपना वो इकबाल जुर्म भी भेज रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले भेज देना चाहिए था। 26 जुलाई की रात मेरे हाथों जो हुआ वो शायद जुर्म न था, लेकिन अपनी और पुलिस की इज्जत बचाने के लिए उसकी रिपोर्ट ना करके मैंने कानून के साथ धोखा किया है। आनंद कुमार स्पीकिंग। साईं, मैं सब इंस्पेक्टर मालपानी बोल रहा हूँ। क्या बात है, घर पे क्यों फोन किया? सर, वो आपसे एक अपॉइंटमेंट लेनी है। 26 जुलाई को खून हुआ था नहीं, उसके बारे में पूछताछ कर रही है। ठीक है, तुम 2:30 बजे तक आ जाओ। थैंक यू सर। May I come in, sir?
कमेन। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता, लेकिन क्या बात है सर? वो आपने अपने दोस्त पीके के बारे में जो रिपोर्ट मांगी थी वो बहुत ही सीरियस है। व्हाट इज इट? सर, पीके तो बहुत ही खतरनाक आदमी है और एक बहुत बड़े क्रिमिनल गैंग का लीडर है। क्या कह रहे हो तुम? सर, इंस्पेक्टर चंद्र ने जिस नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर छापा मारा था, वहां से पकड़े गए तीन आदमी ने बताया कि वो फैक्ट्री पीके की थी। वर्सोवा बीच पर जिस गैंग पर आपने रेड किया था, वो गैंग भी पीके का था। That bloody scoundrel! कहां है वो? सर, पीके कुछ दिनों से लापता है। मात्रे, एसीपी हेडक्वार्टर्स को इंस्ट्रक्ट करो, पीके पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ निकाले। ने कहा था कुछ करके दिखाओ, बड़ी ये तो हमको करके दिखा रही है, और वो भी शायद से बाहर। कोई बात नहीं, हम पुलिस वाले भी बड़े करू हैं। स्कॉर्पियन कॉलिंग। आई रीड यू स्कॉर्पियन। बस यहां से निकल पड़ी है, ओवर। ओके। सर, मैं मालपानी पैनवेल रोड पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। तुम आए क्यों नहीं? सर, किडनैपिंग होने वाली है। किसकी किडनैपिंग? डॉक्टर केसी भटनागर की, सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, आज शाम को 4 बजे। कौन कर रहा है? बहुत सारे आदमी, उनका लीडर है पीके। पीके? हेलो मालपानी। गुड बाय साईं। हेलो मालपानी। पीके, यू बास्टर्ड। हेलो मात्रे। यस सर। दिस इज एन इमरजेंसी। सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर भटनागर को किडनैप करने की साजिश की जा रही है। तुम फौरन फोन करके SERI सिक्योरिटी को ये इंफॉर्मेशन दे दो। नंबर वन, इंस्टीट्यूट में किसी को अंदर ना आने दिया जाए, किसी को भी। नंबर टू, डॉक्टर भटनागर की सिक्योरिटी चारों तरफ से टाइट कर दो, ना वो इंस्टीट्यूट से बाहर जाए, ना वो किसी से मिले। नंबर थ्री, राजगढ़ पुलिस स्टेशन को चौकन्ना कर दो। नंबर फोर, डेप्यूटी कमिश्नर बर्वे, ACP एमिनेशन और ACP ट्रांसपोर्ट से कहो मुझे फौरन कॉन्टेक्ट करें। यस सर। और सुनो। यस सर। पनवेल रोड के किसी पेट्रोल पंप पे सब इंस्पेक्टर मालपानी को शूट कर दिया गया। टू द निफोन। ओके सर। सही बात है, अभी पहुंचते ही होंगे बस। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला दो। अरे भाई, हमें क्यों रोक रखा है? शट अप। ड्राइवर, गाड़ी कच्चे रास्ते पर लो, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी करो। ड्रैगन, दिस इज स्पाइडर कॉलिंग। बस कब्जे में कर ली गई है, ओवर। Thank you.
शेरी से कांटेक्ट नहीं हो रहा, लाइन इज डेड। और राजगढ़ पुलिस स्टेशन? राजगढ़ पुलिस स्टेशन का भी फोन नहीं मिल रहा, ट्रांसमिशन जैम कर दिया गया है। तुम आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों को कांटेक्ट करो। वो भी मैं कर चुका हूँ, सबकी सब लाइनें डेड हैं। बाकी लोगों को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और सुनो, मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार रखना। ओके सर। अरे सुनो, बाल पानी कहाँ है? साहब, उनका खून हो गया। कब, कहाँ, कैसे? मुझे कुछ पता नहीं सर, लेकिन मालपानी साहब जाते वक्त दोपहर को कह गए थे उन्हें 2:30 बजे कुमार साहब से मिलना। हेलो मात्रे, क्या हुआ? बर्वे ने अभी तक मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो और मुझे फोन करने के लिए कहो। उससे बात किए बगैर मैं यहां से निकल नहीं सकता। जल्दी करो। तुम तो पुणे में ड्यूटी पे थे। मैं यहां भी ड्यूटी पे हूं और आपसे यह पूछने आया हूं कि 26 जुलाई की रात आप कहां थे? राम प्रसाद का खून पुणे में चलाया गया, मुझ पर गोली और मालपानी की हत्या, ये सारे सवाल आपसे बाद में करूंगा। चुप! मिस्टर कुमार, राम प्रसाद का बयान, बाकी दो पुलिस कमिश्नर्स की बेगुनाही के सबूत और ये तस्वीर, ये तीनों बातें आपके जुर्म की खुली हुई किताब के तीन पन्ने हैं। आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं कि 26 जुलाई की रात को आप कहां थे? देखो इंस्पेक्टर, इस वक्त क्या होने जा रहा है तुम्हें नहीं पता। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों का... मिस्टर कुमार, अगर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं आपको घनश्याम के खून के जुर्म में गिरफ्तार करने पर मजबूर। स्टॉप इट! मैंने तुम्हें कह दिया ना, इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। इसका मतलब यह हुआ कि आप कानून की नजर, कानून की जुबान में सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देता, तुम फर्ज नहीं कर सकते मेरा जवाब क्या होगा। आप इतने बड़े ऑफिसर हैं इसलिए शराफत से काम ले रहा हूं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मेरे हाथों में उसकी गर्दन होती और उसके हाथ में मेरी हथकड़ी। आसमान करो, मना उठा के बाहर फेंक दूंगा। जानते हो कि सवाल करो तुम उससे जिसकी मैंने कभी पूजा की थी, मगर आज अगर उसका खून भी बहाना पड़ा तो मैं कानून की आबरू पे आंच नहीं आने दूंगा। और आज अगर मुझे तुम्हारा और कानून दोनों का खून बहाना पड़ा तो मैं भी देश की आबरू पर आंच नहीं आने दूंगा। इस देश की आबरू बचाने के लिए उन अफसरों की जरूरत है जो दिल में ईमान रखते हैं और सर पे कफन बांधते हैं, उनके नहीं जो दिन के उजाले में वर्दी और मेडल पहनते हैं और रात के अंधेरे में एक नाचने वाली के कोठे पर किसी इंसान का खून कर देते हैं। तुम सिर्फ एक इंस्पेक्टर हो और उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तुम पे घनश्याम जैसे एक नीच आदमी की मौत का बोझ सवार है, लेकिन इस वक्त मुझे एक ऐसे महान आदमी को बचाना है जिसको अगर हम ना बचा सके तो सारी दुनिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पुलिस के नाम पर थूकेगी। कानून की नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है सर, खून खून है, चाहे वो घनश्याम जैसे नीच आदमी क्यों ना हो, कातिल कातिल है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर खुद क्यों ना हो। अब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यू फूल, हट जा मेरे रास्ते से। रास्ते से तो आप आज तक हटाते आए हैं कमिश्नर साहब, लेकिन अब मैं नहीं हटने वाला। हेलो बर्वे, जरा गौर से सुनो। फेज 3 इमरजेंसी, डॉक्टर केसी भटनागर को एससीआरआई से 4 बजे किडनैप करने की साजिश की जा रही है। इंस्टीट्यूट और आसपास के पुलिस स्टेशनों के टेलीफोन कनेक्शंस काट दिए गए हैं। तुम पुलिस पोस्ट के साथ रवाना हो जाओ, मैं हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचता हूं। इस वक्त हमारे देश को हम दोनों के खून की जरूरत है, तुम मेरे साथ चल रहे हो, इट्स एन ऑर्डर। ये इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर के एक इशारे पर अपनी जान तक दे सकता है सर, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मेरा पहला सवाल फिर भी यही होगा कि 26 जुलाई की रात को आप कहां थे। तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। हेलो, परमिट नंबर 213, बॉम्बे से एक प्रेस पार्टी आई है। जी बहुत अच्छा,
जाने दो। आपका आइडेंटिटी कार्ड। इसमें क्या है? कैमरा खोलो। ये क्या है? ये फूल है भटनागर साहब के लिए। आए मेरा कैमरा। सॉरी, वेरी सॉरी। ड्राइवर गाड़ी ले जाओ। आई विल कीप द मैसेज। ओके। प्रेस पार्टी फ्रॉम बॉम्बे। यस। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। थैंक यू। आइए आइए। जेंटलमैन, डॉक्टर भटनागर आ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू सी यू सर। थैंक यू। ये हमारी प्रेस पार्टी की तरफ से एक नाचीज तोहफा है। थैंक यू। सुनिए भाई साहब, प्लीज जरा मैडम को। ठीक है, जाइए। चलो आओ। जाओ। जल्दी चलाओ।
उनका पीछा करो। सर आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आप फॉलो कीजिए सर। हरी अब भरिया निकालो बाहर, जल्दी चलो जल्दी। सिर्फ सुना था कि तुम एक बहादुर ऑफिसर हो, मगर आज देख लिया कि तुम मौत के साथ खेल भी सकते हो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है पीके, डॉक्टर भटनागर को मेरे हवाले कर दो। 1 करोड़ का चेक इतनी आसानी से नहीं लौटाया जाता मेरे दोस्त। तुम दोस्त नहीं पीके, एक बदनुमा दाग हो। दोस्ती के नाम पर, देश के नाम पर, इंसानियत के नाम पर धरती की सौगंध में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वो रिवॉल्वर भरे, खत्म कर दो उसको। तुम प्लेन को स्टार्ट करो, मैं साइंटिस्ट को लेके आता हूं। बहुत बढ़िया। चलो सर, हरी अप, टेक ऑफ, क्विक। चाहते थे ना, 26 जुलाई की रात को मैं कहा था, ये रहा मेरा जवाब, मेरा बयान। चंदर, सुना है पुलिस डिपार्टमेंट को मुझ पे नाज रहा है, लेकिन आज मुझे तुम पे नाज है।
गुड लक। कुमार भैया, कुमार भैया। तकदीर के अलम से कोई बच न पाएगा, पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। मालिक ने जो लिख दिया है वो मिटा न पाएगा, पेशानी पे जो